हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इनके ऑथर के द्वारा भी इसके बारे में अपडेट दे दी गई थी, तो ये कह लो कि वहाँ से भी मुझे पता चला, क्योंकि जो इसकी ऑथर है उनकी मैंने पहले भी नॉवेल्स पढ़ी हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे अच्छी चीज़ इनकी नॉवेल्स में ये होती है वो ये कि भाई बचपन वाला कॉन्सेप्ट होता है जो ये इनकी नॉवेल्स में मुझे देखने को मिला, तो मुझे वो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, तो इस वाली नॉवल में भी कुछ ऐसा सा ही है, इस वजह से मतलब ये कह लो कि काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया इसने। ठीक है, तो ज़्यादा अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कौन सी नॉवल की बात कर रही हूँ और क्या है इस नॉवल में। ठीक है, तो इसके जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। अभी इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 15 ही होंगे इसके चैप्टर्स अभी। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसके डिटेल जो है प्रोवाइड कर देती हूँ फिलहाल। तो ये जो स्टोरी है ना, उसका नाम है आई एम पोजेस्ड फॉर यू। ठीक है, इसकी जो ऑथर है उनका नाम है सनशाइन क्वीन। इसकी जो रेटिंग है वो 4.7 और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 15 और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अर्थ और आही। ठीक है, तो अच्छा इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भाई इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा सा था कि ना इकरार ना तकरार, लेकिन इस बार होगी पॉजिटिवनेस की सारी हदें पार। ठीक है, ये कभी ये इस दुनिया में सबसे मतलब ये कह रहे हो कि इस दुनिया में कदम रखते ही किसी का सुकून जुनून सब कुछ बन जाएंगी। ठीक है, और तो और उसके बाद अब इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या रीज़न था, कहाँ से ये मिली, कहाँ क्या हुआ, और मतलब दुनिया में पहला कदम रखते ही तो थोड़ा सा अटपटा था और अट्रैक्टिव भी था। तो सबसे बड़ी चीज़, एक तो मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, वैसे तो इमेजिनेशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मेरे मन में था तो मैं बोल देती हूँ कि हमारे हीरो को पता कैसे चला कि मतलब कि ये जो लेडी है इनके अंदर एक बेबी गर्ल जो है वो है। ठीक है, तो यार ये चीज़ थी ना, मतलब उस बंदे के मतलब उस बच्चे के अंदर क्या सुपर पावर है। ठीक है, अच्छा इनके एज की बात कर लेते हैं, तो हमारे हीरो की भी कोई ज़्यादा एज नहीं थी। ठीक है, स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो बचपन वाला सीन ही दिखाया जाता है, ये कह लो कि इनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साल का गैप है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो कहीं आप लोग सोचो कि भाई बिल्कुल ही ऐसा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ कि इनके घर में उनका आना कैसे हुआ, यानी हमारी हीरोइन का और उनकी मॉम का आना कैसे हुआ, उनकी फैमिली का क्या सीन है, वो जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही नॉवल पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। बस हाँ, अगर मैं थोड़े फैमिली के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे हीरो की फैमिली में उनके दादा दादी, उनके चाचा चाची और उनके बच्चे, ठीक है, और ये कह लो कि हमारे हीरो के भाई बहन वो हैं। और बाकी इनके मॉम डैड की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ही आप लोग देख लोगे कि उनकी डेथ हो गई, अब उसका क्या रीज़न है, और इन ये सब जानने के लिए आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की साइड की बात करूँ फैमिली की, तो उनकी इनकी फैमिली में एंट्री कैसे हुई, यानी कि अर्थ की फैमिली में वो कैसे आई, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को खुद ही नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बचपन से ही शुरू होता है कि भाई हाँ बचपन में मतलब वो पैदा होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारे हीरो ने ही हमारी हीरोइन का नाम रखा है, तो भाई कुछ अलग सा सीन था ना। तो भाई चलो अच्छी बात है, उन्हें उन्होंने अपनी मर्जी से उनका नाम रख दिया, उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है। ठीक है, उनकी हर ज़रूरतें उनकी हर विश का उन्होंने ख्याल रखा है, कोशिश की है, लेकिन कैद करके रखा गया है बेसिकली। तो यार ये जो कैद होती है ना, मतलब मुझे समझ में आता है कि हमारे हीरो जो है ना ओवर प्रोटेक्टिव ओवर पोजेसिव होते हैं, लेकिन यार जो ये कैद कर देते हैं ना, मतलब एक कमरे में सीमित रहना, हर चीज़ को तुम्हें उसकी कंट्रोल करना, और तो और अगर वो कहीं जाएगी तो तुम ही हो जिसके साथ वो जा सकती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसको यूँ बोलते हो कि मतलब अगर उसको कुछ चाहिए तो तुम उससे यूँ बोलते हो कि भाई तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अगर तुम चाहती भी हो तो भी नहीं। ठीक है, मतलब ये कह लो उनका वो इस तरीके का सुकून बन चुकी है और बचपन से वो ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, चाहे उनको अंदर से कितना ही बुरा फील हो रहा हो लेकिन वो बेचारी कुछ कह ही नहीं पाती। देखो मैं इसमें टोटली ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही हीरोइन के साथ गलत हो रहा है, नहीं, इन सब चीज़ों में ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं हीरो की साइड से भी देखूँ तो यार उनको भी कोई प्रॉब्लम है। मतलब ये कह लो कि हमारी हीरोइन अगर किसी और को टच करती हैं या फिर कह लो अगर वो किसी और के संपर्क में आती हैं, ठीक है, मतलब अगर वो लड़ाई झगड़ा भी कर रही हैं तो उन्होंने गलती से किसी और को टच कर लिया और उसके बाद वो हमारे हीरो को टच करती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब ये कह लो उनकी बॉडी में रैशेज वगैरह हो जाते हैं, तो इन सब का क्या रीज़न है, क्या ये प्रॉब्लम जो है ये इनको लाइफ टाइम रहने वाली है, और सिर्फ आही ही ऐसी लड़की क्यों मतलब
क्यों है जो सिर्फ और सिर्फ इनको टच कर सकती है, इनके लिए सब कुछ कर सकती है, तो कुछ अलग था ना वो। अभी ये कह लो कि इनकी डेस्टिनी थी, इनको साथ में ही लिखा गया था, मतलब साथ एक हीरो को हीरोइन की जरूरत होती है, ठीक है। तो बस वही वाला सीन यहाँ पर है कि भाई ये इनके लिए ही बनी है, अब इनको ये कह लो कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमारी हीरोइन को इनके साथ रहते रहते। तो यार देखो वो आज़ाद होना चाहती हैं, उनकी भी लाइफ है मतलब, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हीरो ने उनको बंदिशों में बांध कर रखा है, हालांकि अब वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि आप लोग सोचो भाई कि हाँ बहुत बड़े हो गए। अभी ये कह लो कि ये कह लो हमारी हीरोइन 10th में हुई है, और हमारे हीरो 12th नहीं, खुद देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ मैंने पर उसके सारे चैप्टर्स पढ़ लिया, हर चीज़ मैं थोड़ी ना बता दूंगी, अगर मैं ही बता दूंगी तो आप लोग के पढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ इसमें यही है कि भाई पोजेसिवनेस की सारी हदें पार, सच में मुझे महसूस हुई अंदर से कि सही में सारी हदें पार हो गई यहाँ पर, तो कि भाई वो बंदा कुछ भी नहीं करने दे रहा उसको, ठीक है। एक वो पिंजरे में कैद सोने के, मतलब वो कहते नहीं कि सोने का पिंजरा हो बेशक चाहे, लेकिन जो पक्षी है उसको तो आसमान में उड़ान भरनी है ना, तो बस वही वाला सीन हो रहा है यहाँ पर भी। उसको सोने का पिंजरा तो दिया गया है, लेकिन उसको खुला आसमान नहीं नसीब हुआ, तो फिर उसका फायदा ही क्या है ना। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को अभी फिलहाल देखने को मिलेगी। अभी बचपन वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आया, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये स्टोरी। और इसके मैं डेली जो चैप्टर्स आते हैं ना उनका वेट करती हूँ कि भाई कब आए इसके चैप्टर्स। तो ऐसा वाला कनेक्शन ना, मतलब ये कह लो कि या तो ऑथर जिस तरीके से लिखती है, उनकी राइटिंग स्किल्स जो है वो, या फिर जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती है ना, बस उसके साथ ही कनेक्शन सा फील हो जाता है, चाहे वो स्टोरी कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन देखो इसमें मैं हालांकि इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ओवर पोजेसिव बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक बंदिशों वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, और सबको फ्रीडम पसंद है, तो बस वही वाली चीज़ें हैं। बाकी फिर भी मुझे पसंद आई क्योंकि इमेजिनेशन तक रख रही हूँ मैं उसको, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, अगर आप लोग इमेजिनेशन तक रख सकते हैं तो ये आप लोगों के लिए स्टोरी है पढ़ने के लिए, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर ज़्यादा इमोशनल हो, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते चीज़ों को, तो ये आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो इमेजिनेशन तक रखना है जो कोई भी इन्हें पढ़ेगा, मतलब इस स्टोरी को पढ़ेगा, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई जाके पढ़ सकता है। थोड़ा सा बस यही है इसमें, आप लोगों को फैमिली ड्रामा और रोमांस जो कि अनकहा कभी भी इजहार नहीं होगा उनके प्यार का, बस वो फीलिंग्स, मतलब वो ये कह लो कि वो जताएंगे ज़रूर लेकिन कभी कहेंगे नहीं, ठीक है। वैसा वाला सीन इसमें आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और ठीक है। और उसके साथ साथ फैमिली ड्रामा में ऑलरेडी कह ही चुकी हूँ, बाकी इनकी पोजेसिवनेस ये सब कुछ देखने को मिलेगा, बाकी बिजनेस राइवल्स और जो अदर एनिमीज हैं उन सब का तड़का डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक ये कह लो कि रिलेशनशिप के अलग गोल्स, फ्रेंडशिप गोल्स, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन कब इनकी फ्रीडम मिलेगी इनको, क्या कभी इनके बीच जो है वो एक, मतलब ये कह लो कि दोनों जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब अर्थ को तो वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आ ही इन सब चीज़ों से कब तक, मतलब जो कह लो कि एडजस्ट हो पाएगी, मतलब कब वो इन सब आदतों के साथ ढल जाएगी, ये सब कुछ तो आगे चल के पता चलेगा। बाकी और क्या कहानी में होने वाला है ये मैं गेस नहीं कर सकती, टोटली राइटर के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, लेकिन बस जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस बोली है उनका ध्यान रखना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिवनेस, सॉरी पॉजिटिवनेस वगैरह इनको एडमायर मत करना भाई, मतलब एक हद तक ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट चलो ठीक है, जो भी है इमेजिनेशन तक रखा है तो फिर तो सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। तो जाइएगा ज़रूर, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जैसे स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।